गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम एक्टिविटी बेस्ड प्रॉब्लम कॉस्टिंग की ये जो स्क्रीन पर प्रॉब्लम दिख रही है इसको सॉल्व करेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं। द बजटेड ओवरहेड एंड कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम ऑफ एक्स वाई जेड आर एज फॉलोज। हमको ये एक्सपेंडिचर्स की डिटेल दे रखी है और इसके साथ साथ हमें इनकी क्वांटिटी और वॉल्यूम्स की भी डिटेल दे रखी है, ठीक है। जैसे मटेरियल प्रोक्योरमेंट में हमारा जो ओवरहेड का खर्चा आ रहा है वो 5,80,000 है, मटेरियल हैंडलिंग में 2,50,000, सेटअप में 4,15,000, इसी तरीके से बाकी दिए हैं और इनके ड्राइवर्स भी दे रखे हैं। द कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड अ बैच ऑफ 2,600 कंपोनेंट ऑफ एएक्स। उसकी मटेरियल और लेबर कॉस्ट दे रखी है हमें। इसके बाद बताया द ये जो बैच बना है इसमें जो एक्टिविटीज यूज हुए हैं वो एक्टिविटीज बताई हैं कि हमने इतनी एक्टिविटीज यूज करी है। कैलकुलेट कॉस्ट ड्राइवर रेट दैट आर यूज्ड फॉर ट्रेसिंग एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स टू द सेड बैच एंड एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ बैच, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट रूल बनता है वो बनाएंगे और उससे हम क्या निकालेंगे अपने, बिल्कुल सही है, कॉस्ट ड्राइवर के रेट्स निकालेंगे। सबसे पहले बनाएंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इससे कॉस्ट ड्राइवर के रेट निकालें, ठीक है। क्या है फॉर्मेट इसका, यहां पर लिखते हैं हम लोग ओवरहेड्स। कौन सा ओवरहेड है, यहां पर लिखते हैं हम लोग उसकी अमाउंट, कितनी अमाउंट है, यहां पर लिखते हैं बेसिस, किस बेसिस पर हम इसको एलोकेशन कर रहे हैं, और बेसिस को हम लोग कॉस्ट ड्राइवर भी लिख सकते हैं। क्या बेसिस है, क्या कॉस्ट ड्राइवर है, फिर है लिखते हैं नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, कितनी कॉस्ट ड्राइवर की वॉल्यूम्स हैं, क्वांटिटीज, और लास्ट में हम या तो बोलेंगे रिकवरी रेट या फिर हम कॉस्ट ड्राइवर रेट। कॉस्ट ड्राइवर रेट ये बनेगा अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, सही है। चलिए तो सबसे पहले हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास 6 तरीके के ओवरहेड्स हैं। पहला ओवरहेड है मटेरियल प्रोक्योरमेंट, दूसरा ओवरहेड है मटेरियल हैंडलिंग, तीसरा है सेटअप, चौथा है मेंटेनेंस, पांचवा है क्वालिटी कंट्रोल और छठवां है मशीनरी। ये 6 आइटम हैं, 6 तरीके के ओवरहेड्स हैं जिन पर हमारे अमाउंट हो रही है। इनकी अमाउंट लिख लें, 5,80,000, 2,50,000, 4,15,000, 9,70,000, 1,76,000, 7,20,000। अब हमें इसका बेस लिखना है कि क्या बेस होना चाहिए। तो देखिए इसका कॉस्ट बेसिस है इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नॉर्मली हमें ये क्वेश्चन में करना पड़ता, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना है इसका, 1100,
तो कॉस्ट ड्राइवर रेट क्या रहेगा, 5,80,000 डिवाइडेड बाय 1,100, 527 रुपीज पर ऑर्डर, सही है ना? बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है मटेरियल हैंडलिंग, तो इसका बेस है नंबर ऑफ मूवमेंट। हमारी टोटल मूवमेंट हुई है 680, तो ये 2,50,000 डिवाइडेड बाय 680, तो ये आएगा हमारा 368 रुपीज पर मूवमेंट। तीसरा दिया है इसमें नंबर ऑफ सेटअप्स, तो टोटल सेटअप्स है मेरे 520, 4,15,000 डिवाइडेड बाई 520, तो ये आएगा मेरा 798 पर सेटअप, ठीक है ना। चौथा है मेंटेनेंस आवर्स, मेंटेनेंस आवर्स है हमारे 8,400, 9,70,000 डिवाइडेड बाई 8,400, ये कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है हमारा 115 रुपीज पर मेंटेनेंस आवर्स। फिर है नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, क्वालिटी है तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन से चलेगा। मेरी टोटल 900 इंस्पेक्शन हुई है, तो ये कैलकुलेशन आएगी मेरी 1,76,000 डिवाइडेड बाई 900, कैलकुलेट करेंगे एक एवरेज हमारा 196 रुपीज आएगा। और लास्ट है नंबर ऑफ मशीन आर्स, 24,000 मशीन आर्स, 7,20,000 डिवाइडेड बाई 24,000, 30 रुपए पर मशीन आर्स। हमको क्वेश्चन में ये सारी चीजें दी हुई थी, पहली चार चीजें दी हुई थी, हमें पांचवी चीज निकालनी थी, लेकिन मैंने पूरा डिटेल में इसलिए किया कि कभी कभी नहीं दिया रहता तो हम इस फॉर्मेट में बनाएंगे। अब हमें दूसरी जो चीज बनानी होती है उसका नाम होता है दूसरी स्टेटमेंट जिसे हम बनाते हैं। ये तो पहली स्टेटमेंट है, दूसरी स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, लेकिन यहां पर चूंकि दिया है हमें एक बैच की कॉस्ट निकालनी है, तो हम निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ बैच, ठीक है। देखिए डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में दिया है वो है हमारा 1,30,000 डायरेक्ट लेबर, ये दिए 2,45,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं, तो मेरी प्राइम कॉस्ट जो आई वो कितनी आई, 3,75,000। अब ऐड करेंगे हम ओवरहेड, तो जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करेंगे तो ओवरहेड्स जो पूरे हमारे ऊपर 6 ओवरहेड्स दिए थे वो आएंगे, नंबर 1 मटेरियल प्रोक्योरमेंट, नंबर 2 मटेरियल हैंडलिंग, नंबर 3 सेटअप, नंबर 4 मेंटेनेंस, नंबर 5 क्वालिटी कंट्रोल, और नंबर 6 मशीनरी। ये 6 ओवरहेड्स थे। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है कि हमने किन किन ओवरहेड्स की कितनी कितनी एक्टिविटीज की हुई है। देखिए मटेरियल ऑर्डर्स दिए हैं यहां पर 26, फिर दिया है मेंटेनेंस आवर्स 690,
तो ये मेंटेनेंस के 690 आवर्स हो गए। फिर है मटेरियल मूवमेंट, तो मटेरियल मूवमेंट है 18। फिर है नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितने दिए थे, 28। सेटअप दिए थे 25 और मशीन आवर्स दिए थे 1800। ये वो है जो एक्टिविटीज है, कितनी एक्टिविटीज यूज हुई है, मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, और रेट हमने ऊपर निकाला है। जैसे मटेरियल प्रोक्योरमेंट का है मेरा 527 रुपीज पर ऑर्डर। ये ऑर्डर, ये जो रेट है मेरा वो यहां पर लिख लिया जाएगा मल्टीप्लाई 527, ऐसे ही मल्टीप्लाई 368, 798, 115, 196, 30। वहां से हमने रिकवरी रेट निकाला था कि हर एक्टिविटी, एक एक्टिविटी का कितना रेट है, मल्टीप्लाई करके हम ये देखेंगे इस बैच में हमने जितनी एक्टिविटी यूज करेंगे उनकी कितनी वैल्यू है। 13,702, 6,624, 19,950, 79,350, 5,488 और 18,54,000। इन सबको ऐड कर देंगे तो जो मेरी टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी 554,114। अगर मुझे पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। देखो मैं कितनी यूनिट्स तैयार हुई हैं, 2600 यूनिट्स तैयार हुई हैं। नंबर ऑफ कंपोनेंट है 2600, तो मेरी कॉस्ट पर कंपोनेंट निकल आएगी वो कितनी होगी, 554,114 अपॉन 2600। कैलकुलेट करेंगे ये आई मेरी 213 रुपीज 12 पैसे। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटी वेस्ट कॉस्टिंग की पहल थी जो हमने करी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।